वहीं हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर रायपुर में हो रहे साधु संतों की सभा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए। कांकेर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ का महल खड़ा करती है। बहुत सारे साधु संत भाजपा समर्थित हैं जो जनता को बरगला रहे हैं, इसलिए यहाँ मांग करने के बजाय दिल्ली में केंद्र सरकार के पास साधु संतों को जाना चाहिए। अमित शाह कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, वे 25 मार्च को आ रहे हैं, इस मांग को लेकर उनसे मिलना चाहिए, ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, इसका मतलब ये है कि पंथ निरपेक्ष ये देश। अब ये लोग मांग कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे जो साधु संत हैं वो भाजपा समर्थित भी हैं, भाजपा सपोर्ट भी करते हैं, तो यहाँ करने के बजाय उनको दिल्ली में करना चाहिए और वहां मांग करना चाहिए।